हाँ चुटकी, वो भी इतनी सुबह सुबह। मैं तो अच्छे से सो रहा था, मेरी नींद खराब कर दी तुमने। कालिया, आज हम पोशाक नगर जा रहे हैं। मैंने सुना है कि वहाँ के कपड़ों की बात ही कुछ और है, तो मैंने सोचा कि हम सब कपड़े वहीं से खरीदेंगे। वाह चुटकी, बड़ा मजा आएगा। अगर सुनने में ही इतना मजेदार लग रहा है तो जरा सोचो ढोलू भोलू, वहाँ जाकर कितना मजा आएगा। मैं तो सबसे मस्त वाला कुर्ता लूंगा पगड़ी के साथ। पोशाक नगर जाने से पहले ही कपड़ों के सपनों में खो गए हैं। हमें अभी निकलना चाहिए वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ चलो जल्दी। कितनी बढ़िया जगह है। यहाँ की दुकानें कितनी सुंदर हैं, इतने सारे रंग बिरंगे कपड़े और जूते। और यहाँ इन टोपियों को तो देखो। चलो कालिया, अंदर चलकर देखते हैं। चलो आ जाओ ढोलू बोलू। बहुत सुंदर है ये लहंगा, है ना? हाँ, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है, हम सबको इस राजा से बचाने वाली आ गई। चुटकी कहाँ गई? अभी तक तो वो यहीं पर थी। चलो जल्दी ढूंढते हैं उसे। चुटकी, चुटकी, चुटकी कहाँ हो तुम? चुटकी, चुटकी तुम कहाँ गायब हो गई थी? हम सब कितने परेशान थे। हाँ चुटकी, ये काका कह रहे हैं कि इस राजा के राज्य से सिर्फ मैं ही इन्हें बचा सकती हूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। दरअसल हमारे गांव पर एक दुष्ट राजा ने कुछ महीने पहले हमला किया और अपने आप को हमारा राजा घोषित किया। हम सबने उसे हराने की बहुत कोशिश की पर नाकामयाब रहे। हम सब बहुत परेशान थे तो हमने अच्छी परी की मदद ली, तो उन्होंने हमें ये लहंगा दिया और कहा कि जिस लड़की पर भी ये लहंगा ठीक बैठेगा सिर्फ वही उस दुष्ट राजा को छड़ी का इस्तेमाल करके हरा सकती है, और वो छड़ी इस समय उस दुष्ट राजा के पास है। पकड़ो, पकड़ो उस बच्ची को और उसके दोस्तों को भी पकड़ो। तुम सब यहाँ से बचकर निकल ही नहीं पाओगे। कभी नहीं निकल पाओगे। तैयार, एक दो तीन। शुक्रिया बच्चों, आज तुम्हारी वजह से हम सब आजाद हो गए। ये हमारे लिए है। बस बस अब मेरी बारी है। कालिया संभल के। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो, मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। Okay.
जग्गू और ढोलू भोलू। भीम, मुझे फिक्र हो रही है, हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो राजू, ढोलू भोलू, ढोलू भोलू, कहाँ हो तुम दोनों? ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओ, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम,
राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया, तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चला कर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है, रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छचुंदरों। भाई वाह, तुम तो मौसी के लड्डूओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ, आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगी, मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा, आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों मेरे पीछे आओ। माने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है, अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। माँ, घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इन सबको। मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं। आओ मेरे साथ। कौन हो तुम और तुम सब ऐसे कूद क्यों रहे हो? तुम यहाँ नए आए हो, कालिया उस्ताद को नहीं जानते? कालिया,
क्या हो रहा है? ये हरा पीला नया लड़का रालिया का मजाक उड़ा रहा है। अब मेंढकपुर के राजा का इतना अपमान, तुम्हें सजा मिलेगी। मेंढक राजा, हमें पता नहीं था हमारे मैदान के नीचे आपका मेंढकपुर है। सुनिए मेंढक राजा, हम कालिया की गलती की माफी मांगते हैं। ठीक है, मगर एक शर्त है, तुम्हें हमारे साथ मेंढक दौड़ लगानी होगी। अगर जीते तो तुम्हें ठीक कर दूंगा। मंजूर है। तैयार, एक दो तीन। हार गया छोटा भीम। बहादुर भीम बन गया मेंढक भीम। बचाओ बचाओ भीम। येलो, बचाने के लिए शुक्रिया भीम। ये तो मेरा फर्ज था मेंढक राजा। तुम हार गए। मनु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया ढोलकपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बच्चे, मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। वादा? हाँ, वादा। राजू, तुमने उसे रोका क्यों नहीं कालिया? पर मुझे कैसे पता वो कहाँ जा रहा था? फिर मैंने सोचा कि पर अब तो वो कहीं नहीं मिला, हमने सब जगह देख लिया। सिर्फ नदी बाकी है। और आसानी से मैं इसे ले जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यार इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ, नहीं तो नहीं तो क्या करोगे बच्चे? छोड़ दो मुझे बच्चे। पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ और ये कौन है? ये तो
तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, कितनी बढ़िया साइकिल है। टायर और लाइट तो देखो, देखो तुम भी, कितनी सुंदर।